गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पहला राबता अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडे को जिरगे में शिरकत की दावत दी है। पेशावर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास आज होगा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। मजीद तफसील जान लेते हैं पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली से। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जिरगा हाउस सीएम हाउस में जो जिरगा हाल है वहाँ पे ये जिरगा मुनाक़िद किया जा रहा है। और की बात खैबर गवर्नर फैसल करीम कुंडी को दावत दी गई है। ये गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान पहला राबता था और क्योंकि इस्लामाबाद में थे वो अपनी सारी मसरूफियात जो सियासी मसरूफियात करके इस वक्त पेशावर पहुँचने वाले हैं, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही पेशावर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये इजलास शुरू होगा और इसमें तमाम सियासी जमातों के लीडर्स हैं, इसके अलावा जो कबायली अजला या जम अजला से तलक रखने वाले लीडर्स हैं वो भी शिरकत करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि तहफ़्फ़ुज़ पर पाबंदी लगाई गई है, उसके साथ साथ जो कल का वाकया हुआ, अमन अमान की सूरत हाल है, इन सभी चीज़ों पर बातचीत की जाएगी। आपको याद होगा कि सूबाई असम्बली के जो पार्टी पार्लिमानी लीडर हैं अहमद कुंडी, ये उनकी ही एक कोशिश थी और अपोजिशन लीडर की कि एक जिरगा मुनक्कद किया जाए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर, अमन अमान पर, उनके जो हकूक हैं, उनके जो मसाइल हैं, तहफुजात हैं, उसके ऊपर मरकज के साथ बात की जाए। गवर्नर साहब इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ गया कि आज सारे एक यूं कहें कि एक मेज पर बैठेंगे और पख्तूनख्वा की बात होगी। और खास तौर पर जो कल एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें तीन कीमती जाने चली गई हैं, उसको भी लेकर बहुत अहम मामलात पर बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली। इस आम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे आप।